हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम के बाद एंटिक से एंटिक रेडियो मेरे पास आया रहेगा। बहुत टाइम के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटिक चीज़ यूज़ करता हूँ, रेयर चीज़ यूज़ करता हूँ, उसके लिए मेरे रेडियो मतलब वीडियो कम आ रहे हैं। मैं ये क्यों करता हूँ कि मतलब मैं क्या आपको अच्छी चीज़ दिखाऊँ, उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा विंटेज चीज़ यूज़ करता हूँ। इसके बारे में फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सुनते रहेंगे, मतलब मोबाइल पे सुनते रहेंगे, टीवी पे सुनते रहेंगे, किसके ऊपर भी सुनते रहेंगे, हेडफोन लगा कर सुनना, लास्ट तक वीडियो देखना, तो वीडियो के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो इसके ये वाला वाल वाला रेडियो है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा कंपनी का रेडियो है। उसका नाम अच्छा ही कुछ है, अलग नाम है फ्रेंड्स, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना फ्रेंड्स। एस से स्टार्ट होता है, 1965 का मॉडल है फ्रेंड्स। 1965 में बॉर्न भी नहीं हुआ था फ्रेंड्स, तभी का ये मॉडल है फ्रेंड्स। ये वाल वाले रेडियो है फ्रेंड्स, 5 इसमें वाल लगे हैं। आप बोलते रहेंगे क्या इसमें खास क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ। ये फ्रेंड्स एफएम वाला रेडियो है। आप बोलते रहेंगे इसके ऊपर की ग्लास का है फ्रेंड्स, इसकी ग्लास वो अंकल ने मेरे को नहीं दी, उसके बारे में बताता हूँ। अंकल ने मुझे बाद में बोला, इसके सारे के सारे नॉब हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 नीचे, ये सारे के सारे। मैं आगे लेके कैमरे से भी बता देता हूँ अपन इसके अंदर क्या क्या मतलब मिसिंग चीज़ है, क्या क्या नहीं है, वर्किंग है क्या नहीं है, मतलब चालू होएगा कि नहीं होएगा, वो भी मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये वाला मॉडल किसके पास भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका ओरिजिनल दिखने वाला देखो ऐसे दिखने में था, उसकी ब्लैक वाली कांच। तो एक अंकल ने मुझे बहुत ही अच्छा समझाया कि मैंने एक अंकल को बना नहीं दिया था। अंकल मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि हर अंकल किसको भी रिस्पेक्ट देने का, कि किसको भी कुछ भी देंगे तो उसको बोलना भाई इस वो अंकल ने दिया था रिपेयर करने के लिए, 8 ईयर्स को दिया था बनने के लिए, पर वो अंकल के पास टाइम नहीं था। मैं आपको यही बताऊंगा, कोई भी रेडियो आपको रिपेयर करना हो तो वो अंकल को रिपेयर करने देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाल रेडियो का काम करता हो, उसको ही देना। वो टीवी वाले को, एम्पलीफायर वाले को, बहुत सारी चीज़ें होते हैं उनको काम होता है, डेग वाले को, उनको रेडियो रिपेयर करने नहीं देना, उनके पास बहुत सारा काम होता है। वो टीवी का काम करने वाला तो उनको तो देना ही नहीं, आता रहेगा तो देना, उनके पास टाइम हो। वो अंकल के पास 8 ईयर्स पड़ा था रेडियो, ये वाला एफएम वाला रेडियो है फ्रेंड्स, एफएम वाला रेडियो। आप बोलते रहेंगे एफएम इसमें कैसे आ गया, वाल वाला रेडियो। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इसके सारे कॉर्नर दिखाता हूँ। तो रिपेयर करने किसको भी दोगे ना फ्रेंड्स, तो देखना वो रेडियो ही रिपेयर करता हो वो ही अंकल को देना, मतलब बाकी चीज़ें रिपेयर कर देगा तो मत देना, तो आपकी चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहेंगी। ये यस ऐसे ही पड़ा था, तो अंकल ने वो मैकेनिक से लेके आया, मेरे को बताया जिसकी ग्लास मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। तो तभी बोला मैं चलो ठीक है, एक बार वीडियो बनाकर आपको दिखा देता हूँ। इसका ओरिजिनल फोटो ऐसे है, ये दिखाता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स 2 साइड में 2 स्पीकर नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ। लास्ट तक वीडियो देखना है तो वीडियो देखने की मज़ा ही चली जाएगी फ्रेंड्स, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ। पहले इसके सारे में कॉर्नर दिखाता हूँ, ये देखिए इसका ये कॉर्नर, ये लकड़ी का नहीं बना है फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये देखिए इतना अच्छा कंडीशन में ना फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका बैक साइड भी दिखा देता हूँ। मैं इसके खोल के चेसे निकाल कर अंदर का दिखाता हूँ, वो देखने जैसा फ्रेंड्स, नहीं तो इसके अंदर की चीज़ें देखने जैसे मुझे नहीं अच्छी लग रही। तो ये यस, ये मैंने टेप क्यों लगा के रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्रैक आ गया था तो यहाँ पर मैंने ग्लू लगा कर फ्रेंड्स उसको संभाल के रखा है, मतलब ये मतलब टूट ना जाए। तो देखो यहाँ पर ऐसे मैंने ग्लू लगा कर इसको टेप लगा के दिया, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आने के लिए मैंने इसको बचा कर। इसका ओरिजिनल कवर भी है, ये एफएम वाला है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पहले इसके कवर, ये देखो मैंने टाइम वेस्ट ना होने के लिए इसका ओरिजिनल का ओरिजिनल कवर भी है। 1965 का मॉडल है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 1965, ये देखो इसका मॉडल नंबर फ्रेंड्स, दिख गया HULDRA855 इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने कितने में बाय किया रहेगा, कैसे बाय किया वो भी मैं बताता हूँ, क्यों बाय किया। मैं रेयर रेडियो चीज मतलब
जमा करता हूँ और पुरानी चीज़ें होती है वो जमा करता हूँ, ICBC सेट नहीं जमा करता हूँ। 1965 का FM वाला रेडियो फ्रेंड ध्यान में रखना, आपके पास भी वाला FM वाला रेडियो हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसके अंदर की चीज़ें क्या क्या मिसिंग है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं बता देता हूँ कि ये देखिए ये सारे IF लगे, 1 2 3 ये IF लगे और इसके देखो EM87 70 मतलब इसका बॉयल पीछे लगा है, मतलब आई मैजिक होता है वो लगा है 87। और देखो यहाँ पर मिडल में एक आई लगा है मैं EF89 ये वाला वाल है, ई सीरीज का है तो यू सीरीज का होता है वो करंट मारता है वो भी मैं कभी फुर्सत में बता दूंगा। यहाँ पर बस ये एक वाल है वो जरा डिफरेंट लिखा है EAF 8 नंबर 8 बोलो 801, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वाल है, मतलब मेरे पास देखना पड़ेगा है क्या नहीं। ECC85 ये नंबर का वाल हो तो फ्रेंड्स ध्यान में रखना उसमें FM है, FM वाला मतलब ये वाला ECC85 होता है वो लास्ट में यहाँ पर कॉर्नर के वो साइड में, मतलब ट्रांसफार्मर के वो साइड में है, वो भी मैं दिखा देता हूँ इसका चेसी बाहर निकल कर तो आपको उसको बारे में पता चलेगा। मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, बहुत ही अच्छा कंडीशन में, मतलब फ्रेश कंडीशन में। अभी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स ये मोनो एक स्टूडियो, फ्रेंड्स ये स्टूडियो सेट है, मतलब दो स्पीकर पे लगेंगे, देखो ये वाला पिन यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा, मतलब एक ही टाइम पे आप दो स्पीकर लगा सकते हो, देखो यहाँ पर दो दो चैनल बनाए 1 2 1। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर दो स्पीकर लगेंगे, यहाँ पर दो स्पीकर, इसके अंदर स्पीकर नहीं है फ्रेंड्स, दो साइड में दो स्पीकर होते और दोनों स्पीकर नहीं है, वो कंपनी ने ऐसी चीज़ बनाई कि इसको अपन अलग स्पीकर इसको अटैच करके लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो ये है। अभी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर क्या क्या मतलब मिसिंग है तो निकाल के ही बता देता हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा। अभी मैं बता दूँ, देखो यहाँ पर एक चीज़ मतलब एक है एम्पलीफायर सेक्शन है यहाँ पर एक, वो अंकल ने रिपेयर करने के चक्कर में लगता है उनको टाइम नहीं मिला रहेगा, नहीं तो बहुत सारा उनके पास काम होएगा। मैं आपको यही वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि आप किसको भी रेडियो रिपेयर करना देते हो तो ऐसे आदमी को देना कि वो रेडियो का ही काम करता रहे पूरा दिन, मतलब रेडियो बहुत सारे उसके पास आते हो उसको ही काम देना, नहीं तो टीवी वाले बनाने वाले होम थिएटर बनाने वाले वो क्या काम करते हैं, मतलब उनके पास वो जल्दी जल्दी काम होता है, तो ये रेडियो खोल के देख के वो लोग साइड में रख देते, उसके लिए 8 ईयर्स लगा वो बनाने के लिए, 8 ईयर्स में भी वो अंकल को टाइम नहीं मिला, उनसे मैंने बाय किया, उनने मुझे समझाया, बस ये चीज़ नहीं थी वो मैंने नहीं बताई। तो नेट पे देखो इसका ये फ़ोटो ओरिजिनल आ रहा है, मतलब ऐसे ही इसके अंदर मिसिंग है, तो मैंने एक 2-3 जन को अंकल को पूछा कि ये रेडियो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक अंकल ने तो मना किया भाई मत लेना, मैंने बोला FM वाला रेडियो है, बोलता नहीं FM वाला तो क्या हुआ इसमें क्या सोना लगा है, मैंने बोला नहीं, तो एक अंकल ने बोला इसको कोई बनाएगा ना वो पूरा का पूरा मास्टर रहेगा, एक अंकल ने बोला ये कोई भी नहीं बना पाएगा, मैं बोला चलो ठीक है। तो मैंने एक मेरे मास्टर को भी पूछा कि भाई ये एक मेरे मास्टर है जो का फोटो आ रहा है, ये हमेशा मैं इनसे रेडियो बनाता हूँ, अभी ये ज़्यादा ट्रांसफार्मर ज़्यादा बनाते, तो इनने बोला अंकल ने बोला ये रेडियो बन जाएगा मैं इसको बनाऊंगा, देखो ये अंकल ने मुझे तुरंत बता दिया, मुझे कॉन्फिडेंट था कि ये रेडियो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनने से इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है ना यहाँ पर एम्पलीफायर का सेक्शन है वो देखो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये नेट का फोटो है मैंने चेक करके निकाल देखा, बाकी यहाँ पर कैपेसिटर है वो देखो यहाँ पर लगे वो, बाकी का यही पार्ट जरा मिसिंग है, वो अंकल ने लगता है रिपेयर करने के लिए निकाला देगा बाहर एम्पलीफायर तो, और यहाँ पर दो पावर मतलब पावर जाती है यहाँ पर वो पावर वायर निकाल के रखी वो भी मिसिंग है। तो अभी मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर का निकाल कर बाहर दिखा देता हूँ,
तो आपको देखने से समझ आए। वीडियो स्किप करके मत जाना फ्रेंड्स, पूरी तरह वीडियो देखना है। बाल वाला रेडियो है, बाल वाला रेडियो मिलते ही नहीं फ्रेंड्स, मिले तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ। ये मेरा बाल वाला रेडियो, मेरे पास 3 नहीं तो 4 टोटल मेरे पास बाल वाला रेडियो है। मैं ये भी बताता हूँ, FM वाले बोल रहा हूँ। अभी मैं इसको निकाल कर अंदर का सब दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वाल से स्टार्ट करता है, देखो मैंने इसको आगे लेके आया हूँ, मतलब फ्रंट कैमरा लगा कर, तो ये देख सकते हैं। देखो ये वाल कभी भी कौन से भी रेडियो में हो, ECC 85 83 नंबर का होता है, ECC का अपना उसका होता है, वॉल्यूम का होता है, तो ECC 85 FM वाला वाल है। ये देखो यहाँ पर लगा है ये वाला, बाद में देखो ECH 81 फ्रेंड्स ये वाला वाल लगा है। ये देखो EAF 801 ये वाला वाल है फ्रेंड्स, EF 89 ये वाला है फ्रेंड्स। टोटल 5 वाल है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और ये 5। मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पर भी लिखा है EM 87 आपको दिख रहा है, मैंने लिख के रखा है सब कुछ चीज़ें लिखा है। अभी मैं ट्रांसफार्मर के बाद में जाता हूँ। देखो ये इसका ये ट्रांसफार्मर है, ये दो वायर यहाँ पे लगेगी, ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक स्विच आता है कांच वाला, देखो ये वाला यहाँ पर, ये देखो ये है यहाँ पर, वो अंकल ने वो भी निकाल दिया, चलो ठीक है वो तो मैं लगा दूंगा, नॉर्मल है ये तो बन जाएगा। उसके बाद देखो ये स्क्रीन के ऊपर फोटो आ रहा है ना, तो वो आपको पता चलेगा इसमें ये मिसिंग है ये वाला पार्ट्स। अभी ये देख सकते हैं ये सारे इसके अंदर के IF है, देखो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये देखिए ये पार्ट्स, ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये फिल्टर कैपेसिटर के यहाँ पर ये वायर लगे, ऐसे देखो मैं स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखाता हूँ, एक यहाँ पे लगेंगे, ये भी लगने वाले फ्रेंड्स, और ये वायर यहाँ पे लगेगी पावर की। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे एक यू टाइप की ऐसी प्लेट आती है, ओके ये यहाँ पर दो साइड में देखो स्क्रीन के बाजू में आ रहा है, दो साइड में दो स्टैंडिस्टर आते हैं, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, उस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वो अंकल को लगता है रिपेयर करने के में टाइम नहीं मिलता रहेगा उसके लिए, और देखो वो ये गैप में उसको फिक्स करने का, देखो ये देखो लेफ्ट राइट स्पीकर का है, ये लेफ्ट राइट स्पीकर, ये देखो लेफ्ट राइट मोनो और स्टूडियो स्टेडियो स्टेट है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। ये देखिए वो अंकल ने थोड़े आई थिंक इसके अंदर के कैपेसिटर चेंज किए, देखो ये वाला है ना, वो अंकल को टाइम नहीं मिला ऐसे मुझे डाउट है, उसके लिए ऐसे हो गया फ्रेंड्स, नहीं तो मैंने अपने मैकेनिक को पूछा है हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये रेडियो के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी कभी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना फ्रेंड्स ये क्या है, एक्चुअली स्विच है क्या है, तो मुझे पता चलेगा आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मैं इसका नीचे का पार्ट दिखाता हूँ, ये इसका ट्रांसफार्मर पूरी की पूरा वर्किंग है, मैंने चेक किया इसको मल्टीमीटर से, अभी ये दिखाता हूँ। अभी देखो ये दो वायर निकले हैं ना फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर आता है, वो भी अंकल ने सारे बड़े बड़े कैपेसिटर थे ना वो अंकल ने सब चेंज कर दिए, तो ये यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा, देख सकते बहुत ही अच्छा कंडीशन में, थोड़ा धूल बैठा है मैंने उसको साफ नहीं किया, तो साफ कर देंगे तो हो जाएगा टनाटन में। ये देखिए नीचे का पार्ट ओके का ओके है, बस उस अंकल ने वहाँ ही थोड़ा गड़बड़ कर दिया, देख लो पूरी तरह नहीं से, ये वाला फ्रेंड्स ये वाला सेक्शन पूरा FM वाला है, मैं दिखा देता हूँ FM वाला सेक्शन थोड़ा साइड में से, ये देखिए ये देखो
एफएम वाले में देखो, ये इतने एफएम वाले आपको पता रहेगा, यहाँ पे देखो छोटी छोटी कॉइल्स लगी रहती ना, वो है। और ये एफएम वाला वाल ये देखिए फ्रेंड्स, एफएम सेक्शन ये पूरा। अभी मैं आगे लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये इसके सारे के सारे नॉब है। अंकल ने एक डब्बे में रखे, तो वो अंकल ने डब्बे से निकाल कर मुझे दे दिया। देखो ये यहाँ पे डायल लैंप है ये वाला, तो ये पूरी तरह फ्रेंड्स वर्क हो जाएगा, तो मैं इसका वीडियो बना के भेजूँगा, तो मुझे बता देना फ्रेंड्स। और एक इसके अंदर देखो, ये देखो ये पार्ट्स ऐसे हिलने लगता है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने नॉब से दिखा ना, देखो यस है ना, ये इसका ट्यूनिंग कर दे। ये है मीडियम वे शॉर्ट वे का ये गैंग है, और एफएम वाला फ्रेंड्स ये वाला है। एफएम वाले में दूसरा ही अलग ही गैंग आता है, ध्यान में रखना। एफएम वाले में देखो ये वाला थ्रेड ऐसे जाकर यहाँ पर आएगा, एफएम वाला स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है आपको, देखो। और ये सारे बटन्स मतलब ये वाला लास्ट वाला एफएम का है कि मीडियम वे वाशर शॉर्ट वे टू, यहाँ के बटन है देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंडीशन में फ्रेंड्स, इसको मैंने गीले कपड़े से मतलब ब्लो मशीन नहीं किया, करूँगा तो एक बार बहुत फ्रेश कंडीशन में एफएम वाला रेडियो मिल गया। आपके पास भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखो दो स्पीकर बताए थे ना, ये देखो एक यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, देखो दोनों के अलग अलग कनेक्शन है। और वो दोनों दो एम्पलीफायर के सेक्शन थे, मतलब साउंड आया तो ऐसी इसकी कंडीशन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कंडीशन है। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई कि, तो कोशिश करना कि ऐसे मिसिंग वाली चीज़ें ना ले फ्रेंड्स। मेरे पास है, मेरे पास मिस्त्री है, तो उसके लिए बोल रहा था। देखो ये कनेक्शन में बोल रहा था, देखो एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, मतलब प्लस माइनस, मतलब फर्स्ट है स्पीकर और सेकंड स्पीकर, इसमें कौन से भी आप लगा सकते हैं, मतलब इसमें। तो ये ऐसे रेडियो है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना फ्रेंड्स। मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा तो कैसे लिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं वीडियो स्टॉक, तो बाय फ्रेंड्स।